तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सरसों के पत्तों की भुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इस टाइम पे सरसों के पत्ते मिलते हैं। तो चलिए चलते बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले पत्तों को धो लिया है, साफ़ कर लिया और धुल लिया अच्छे से। कई कई पानी से हमने इनको अच्छे से धो लिया ताकि कोई डस्ट ना रहे इनमें। और उसके बाद हमने इस तरह की बास्केट में इसको रख दिया है ताकि नीचे पानी जो है, जो भी इसमें है, वो निकल जाए सारा। और उसके बाद हमने इसको चॉप कर लिया है। तो चॉप करने के बाद अब हम इसको करेंगे बॉयल। तो आप चाहें तो कढ़ाई में भी बॉयल कर सकती हैं, मैंने इसको कुकर में बॉयल होने के लिए रखा है। तो देखिए, मैं सारे पत्ते जो भी हैं कुकर में रख देती हूँ। और ये ना बॉयल होने के बाद क्या है ना, ये अब पचक जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो आपको, जैसे आपने अगर 1 केजी पत्ते लिए हैं तो ये 500 ग्राम ही रह जाएंगे, आधा किलो ही रह जाएंगे। काफ़ी जो है कम हो जाती है बॉयल होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको कुकर में बॉयल होने रख दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है बस। ज़्यादा से ज़्यादा हमने आधा पौन कप पानी डाला है, क्योंकि पानी ये बहुत छोड़ती है और हमें इसमें बिल्कुल भी आगे पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सूखी सब्ज़ी बनाना है। तो जब तक हमारी हमारे पत्ते जो हैं बॉयल हो रहे थे, तब तक मैंने तड़का की तैयारी कर ली। तो इधर मैंने लाल मिर्च को कट कर लिया है बड़ा बड़ा, और ये हरी मिर्च को कट कर लिया है, और लहसुन को छील के कट कर लिया है। लहसुन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसमें अच्छा लगता है। और उसके बाद हमारी तब तक जो इधर पत्ते हैं वो बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने उनको पलट लिया है, एक थाली में, एक बर्तन में उनको निकाल लिया है। आप चाहें तो इनका पानी ना निकालें, तो इनको इसी तरीके से कढ़ाई में डाल के और जब तड़का लगा दें उसके बाद फिर अच्छे से भून लें, तो पानी सुखा दें जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे इनका पानी जो है दबा के निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी अगर हम नहीं निकालते थोड़ा सा कड़वापन रहता है, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अलग रहता है। और पानी जब हम निकाल देते हैं तो टेस्ट जो है थोड़ा अलग रहता है, अच्छा रहता है। वैसे तो पानी, बथुआ है, मेथी है, पालक, किसी चीज़ का पानी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ में जो है, जो भी उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन इसका अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा, हल्का सा कड़वापन रहता है। तो आप चाहे तो निकालें, ना चाहे तो ना निकालें। मैंने इसका पानी थोड़ा सा निकाल दिया है दबा दबा के। उसके बाद कढ़ाई में हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो यहाँ पे समथिंग मीडियम साइज़ के 2 चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। और उसके बाद जो हमने लहसुन चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दिया है, जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तब। और हमने 2 पिंच यहाँ पे हींग का यूज़ किया है, इसमें हींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हरी मिर्च और जो चिली फ्लेक्स थी वो भी हमने ऐड कर दी। और उसके बाद जो हमारे बॉयल किए हुए पत्ते थे उनको भी हमने ऐड कर दिया। और इसको हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है, फ्राई करना है, ताकि एकदम से ड्राई हो जाएं ये। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 से 4 मिनट इनको इसी तरीके से चलाते हुए इनको ड्राई किया है, ताकि जो भी इनमें पानी हो वो सूख जाए। उसके बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले नमक ऐड कर देते तो इसमें पानी जो है थोड़ा ज़्यादा होता, यानी कि जो पत्ते हैं वो पानी ज़्यादा छोड़ते। तो जब पत्तों का पानी सूख चुका है उसके बाद हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और नमक ऐड करने के बाद फिर से हमने 3 से 4 मिनट उसको अच्छे से ड्राई किया, यानी कि भूना, तो जो इसका जो पानी था वो सुखाया। और उसके बाद देखिए, हमारी टेस्टी सी भुजिया जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में, और हमारी सब्ज़ी एकदम सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लोग क्या करते हैं, चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है और आप वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।